हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम आप सभी लोगों को एमएस ऑफिस पे ड्रॉप गैप का यूज बताएंगे। इसके लिए हमने एक कंटेंट लिखकर तैयार कर लिया है। अब ड्रॉप गैप क्या होता है कि जैसे कोई न्यूज़पेपर होता है तो कोई लाइन लिखी होती है तो उसका पहला लेटर बिग होता है, बड़ा होता है। वैसे मैटर, मान लो ये मैटर जो लिखा हुआ है सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद होम पे जाके फॉन्ट ग्रो से साइज बड़ा करते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से लाइन स्पेसिंग से जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ के रिमूव स्पेस क्लिक कर देते हैं। इससे लाइन के बीच की जो स्पेस है, दूरी है, वो मिट जाती है। ये देखो, इसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। अब हम ड्रॉप, मेन जो बताने का मकसद है वो है ड्रॉप कैप। इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी पहली लाइन का कोई एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम टी सेलेक्ट किए। इसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ से राइट साइड में मिलता है ड्रॉप कैप, जो आपको दिख रहा होगा। इसे जो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नन का ऑप्शन में रहेगा। नन का मतलब जो पहले से लगा हो उसे हटा सकते हैं। और दो ऑप्शन मिल रहे हैं ड्रॉप और इन मार्जिन। इसे देख कर आप समझ पा रहे होंगे इसका यूज हम क्या है इसका। ये देखिए, डॉट पे ले गए तो ये पहला अक्षर क्या हुआ जा रहा है, बड़ा हुआ जा रहा है। अब ये डॉट पे हम ले गए, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड में ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह बन के आ जाएगा। इसको हम ऊपर थोड़ा ड्रैग कर देंगे और थोड़ा सा लेफ्ट घुमा देंगे। इससे क्या हुआ कि ये जो कंटेंट है जिसका पहला अक्षर न्यूज़पेपर में होता है कि पहला अक्षर कैप आ जाता है, तो उसका यूज मेन मकसद बताने का यही था। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे तो ये ड्रॉप कैप का, मान लो इसको हटाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर फिर से क्लिक करेंगे, साइड में प्लस आ जाएगा, फिर ड्रॉप कैप पे आके नन कर देंगे तो नन जैसे करेंगे वो हट जाएगा ये चीज़। फिर लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉलम का यूज बताया था, तो वहीं पेज लेआउट पे आते हैं, कॉलम पे आएंगे और टू कॉलम या थ्री कॉलम जितने कॉलम में डिवाइड करना हो उसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल न्यूज़पेपर जैसा बन गया। और क्या करना है, मान लो दोनों पैराग्राफ कॉलम के बीच की दूरी कम करना है तो वही कॉलम पे आएंगे और मोर कॉलम पे क्लिक करके यहाँ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है यहाँ पे, और यहाँ से स्पेसिंग कम कर देंगे। ज़्यादा करना तो ऊपर मतलब बटन ड्रैग कर क्लिक करेंगे, नहीं तो नीचे वाला। फिर लाइन बीच में लानी है, लाइन बिटवीन पे क्लिक कर देंगे और ओके। ये देखिए, आप इस सभी के सामने के बाद इसको हम कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए कलर हो गया, छोटा कर लेते हैं। सो आई होप दैट आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही एमएस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको अच्छी सी जानकारी देते रहे। थैंक यू।